नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरंजो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और दही की सब्जी। तो गर्मी बहुत है, तो चलिए हम लोग आलू दही का सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को बॉईल करके ले लिए हैं और इसे दो टुकड़ा कर दिए हैं छोटे आलू का। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। अब सबको हम मिक्स कर दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर एक कढ़ाई रखे हैं, उसमें हम सरसों का तेल डाले हैं। सरसों के तेल में ही सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल मेरा गर्म हो गया है, उसमें हम ये आलू डाल देते हैं। और इसमें हम फ्राई होने देते हैं आलू को। तो जब तक मेरा ये आलू फ्राई होता है, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बॉल लिए हैं, उसमें हम ये दही डालेंगे, ये ताजी दही है। सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये धनिया का पाउडर है, दो चम्मच हम डालेंगे छोटे चम्मच से। और ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए। और सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से मसाला दही में मिक्स करने से दही सब्जी में फटता नहीं है और सब्जी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। मसाला फूल जाता है दही में। और इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल देते हैं, ये भी साथ में फ्राई होगा। तो मसाला मेरा बन गया है, इसे हम साइड करते हैं और ये आलू को देख लेते हैं। आलू भी लगभग फ्राई हो चुका है। सारे आलू को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे आलू को हम निकाल लिए हैं और इसमें तेल बहुत थोड़ा सा बचा है, ये देखिए। तो इसी तेल में हम तड़का लगा देते हैं। एक तेज पत्ता, ये दो सूखी लाल मिर्च और ये सौंफ, जीरा, मेथी, सरसों। और इसमें हम डाल देते हैं हींग। इसको हम अच्छे से चटकने देते हैं।
सारे मसाले को। इसमें हम एक प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम अच्छे से फ्राई होने देते हैं। प्याज मेरा फ्राई हो गया, इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी इसमें फ्राई होने देते हैं। और इसमें हम एक टमाटर डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कि अच्छे से टमाटर प्याज पक जाए। तो इसे गलने तक पकने देते हैं। तो ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, प्याज टमाटर और लहसुन अदरक। हम गैस का फ्लेम एकदम कम कर देते हैं और ये मसाला डाल देते हैं, ये दही वाला मसाला। इसे हम फ्राई होने देते हैं। अभी एकदम लो है इसका फ्लेम, एकदम लो है। इसी में हम मसाला 2-3 मिनट फ्राई करेंगे लगातार चलाते हुए, ताकि दही फटे ना अंदर जाके। ये देखिए दही बिल्कुल नहीं फटा है, आप देख लीजिए। इसी तरीके से 1 मिनट हम और इसमें भून लेंगे लो फ्लेम में। अब हम गैस का फ्लेम तेज कर देते हैं, मसाला को फ्राई होने देते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें कच्चा सारा मसाला है। तो इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, देखिए साइड से तेल छोड़ दिया है। इसमें हम आलू डाल देते हैं। ताकि आलू में भी मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें हम पानी डाल देते हैं।
इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। कितना अच्छा सब्जी तैयार होगा। इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं। एक उबाल आने तक पकने देते हैं। तो ये देखिए सब्जी कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब हम गैस को बंद करेंगे। बंद कर दिए हैं और ऊपर से 2 चम्मच घी डाल दीजिए। आपके घर में सब दोबारा बनवा के खाएंगे। कितना अच्छा सब्जी बन के तैयार हुआ। थोड़ा सा हरा धनिया लगा दीजिए। तो सब्जी देखिए कितना अच्छा बना है। हम आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाते हैं। देखिए इसका ग्रेवी दिखाते हैं आपको हम। तो ये देखिए कितना अच्छा सब्जी बनके तैयार हुआ है। आप इसे पराठा रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। धन्यवाद।